नमस्कार। एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट विश्व महिला दिन अंतर्गत एक महिला जो है आत्मनिर्भर है, ऐसा ही हमारा एक कार्यक्रम है, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। तो आज हमारे साथ है रितु राठी जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, फाउंडर एंड ट्रस्टी भी है एक सोच फाउंडेशन की, साथ में डिवाइन मिस इंडिया 2019 में उनको नेशनल टाइटल भी मिला है। तो ऐसी रितु राठी जी हमारे साथ है। रितु जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीप मुसाल भाई ज्वेलर की ओर से आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है और विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। तो विश्व महिला दिन अंतर्गत ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और रितु राठी जी से हम बहुत कुछ आज जानेंगे। काफ़ी लोग उनको सोशल मीडिया में देखते हैं अभी, और काफ़ी एक्टिव है वो, और सोशल जो काम करती है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सोशल जो काम करती है लोगों में के बीच में जाके लोगों को जो हेल्प करने का काम करती है वो बहुत ही प्रेरणादायी काम है। और ऐसे ही रितु राठी जी को हम भी अभिनंदन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हम आपको देखते हैं और काफ़ी काम अच्छा आप करती है लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं मैम जानना चाहूँगी कि लास्ट 5-10 ईयर्स से आप ये सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन उससे पहले आप क्या थी और किस तरह से आप आगे आई इसमें? यामिनी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी जी कि आपने यहाँ बुलाया और ये जो आप प्रोग्राम लेके आए हो नारी को सम्मान देने का जी। आज के दिन में ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और काफ़ी औरतों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये मस्ट है। काफ़ी वुमेन्स काम कर रहे हैं बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जी। बिल्कुल, आई एम रियली थैंकफुल कि आप उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो जी। एंड मैं पिछले 15 साल से सूरत में हूँ। मैं आसाम में रहती थी, फाइनली गॉट मैरिड एंड 15 ईयर्स से यहाँ हूँ। मैं सोशल वर्क तो लास्ट 15 सालों से ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो फैमिली है ये फैमिली माय फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इन सबका फैमिली ट्रस्ट है। जैसे कि ब्लाइंड आश्रम है, छायड़ो है अपने सिविल हॉस्पिटल में, महेश्वरी विद्यापीठ स्कूल है जी। तो इस तरह का फैमिली ट्रस्ट हमारा वर्क है, सोशल वर्क जो हम करते ही रहते हैं। तो लास्ट 15 सालों से इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ। बट हमेशा यही थॉट रहा था कि काम करो एक हाथ से, तो कहते हैं ना दूसरे हाथ को खबर भी ना हो जी, तो कभी ये सब पुटअप किया ही नहीं मीडियाज एंड ऑल में। बट पिछले आई थिंक लास्ट 3-4 ईयर्स से मैं मीडिया में अपना काम डाल रही हूँ जी। एंड थैंक्स टू मीडिया अगेन जी, कहते हैं ना कि मीडिया ने मेरे काम को काफ़ी अच्छा रिकग्नाइज किया है। एंड मैं यही कहूँगी कि अगर आप काम करते हो तो कुछ लोग बोलते हैं कि मीडिया में मत डालो ये शोशा है, बट ऐसा नहीं होता है। लोग देखते हैं, इंस्पायर होते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। साथ ही साथ बहुत लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं जी, तो ये जुड़ना, जुड़ के काम करना बहुत जरूरी है आज के दिन जी 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 जी। सो डेफिनेटली आई थिंक आई गिव थैंक्स टू मीडिया टू जी जी। बहुत ही अच्छी बात है, मीडिया एक ऐसी है, और अभी सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया में काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ जिस तरह से जितने लोग काम करते हैं वो तुरंत देखने को मिल जाता है। बिल्कुल, इसीलिए लोगों को पता चलता है कि ये रितु जी आप काम कर रही है, वो सबको दिख रहा है, दिखता भी है, और एक दूसरे के आइडियाज आप शेयर कर पाते हो, और एक तरह का हेल्दी कंपटीशन बोल सकते हो वो भी होता है जी। तो दैट इज कहीं ना कहीं उससे सोसाइटी तो बेनिफिट करती है जी। आपका जिस तरह से आप सोशल मतलब वर्क में आगे आई, एक्टिविस्ट हुई, तो परिवार का आपके साथ जो संबंध होता है वो आपको किस तरह से उन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? सी आई थिंक फॉर अ लेडी टू कम आउट ऑफ हर हाउस, घर से बाहर निकलना एक वुमेन के लिए तभी पॉसिबल है जब फैमिली सपोर्ट करे। सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है वो फैमिली में बैलेंस बना के चलना जी। तो इसका मैं पूरा श्रेय अपने परिवार को डेफिनेटली दूंगी, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरे बच्चे हो। मैं घर भी आऊँ तो मुझे पता है, इवन इफ आई एम टायर्ड, मेरे दोनों बच्चे मुझे आके हग करते हैं, दे आर हैप्पी। एंड वो आज के बच्चे चाहते भी है कि मम्मी बाहर निकले जी, बिल्कुल उनको सही ऐसा नहीं चाहिए कि मम्मी हाउसवाइफ है और सिर्फ होम मेकर रहे जी। बैलेंस बना के ये जो चलना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के वर्ल्ड में। कहते हैं ना, एक कंप्लीट वुमेन तभी होती है जब उसके पास वो तीन चीज़ें हो, कहते हैं पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल। पर्सनल होता है अपनी फैमिली को प्रॉपरली होल्ड करके रखे, प्रोफेशनल होता है जहाँ ज़रूरत हो अपने फैमिली के लिए कमाई करे, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे जी, बिल्कुल सही बात है। एंड स्पिरिचुअल होता है डेफिनेटली अपने बच्चों को प्रॉपर वैल्यूज दे।
सो ये तीन चीज अगर आई थिंक एक लेडी में है तो वो एक कंप्लीट बैलेंस ऑफ लाइफ है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ये भी एक महिलाओं को मतलब प्रेरणा देती हुई बात है। और एक वुमन जब ऐसी बात करती है कि उनको पता है कि उनको परिवार को भी संभालना है, साथ में उनके जो काम है वो भी करने हैं, और अगर हाउस वाइफ रह के ही सिर्फ बच्चों को पढ़ाना लिखाना खिलाना वही काम करना है तो वो कुछ अलग बात है। लेकिन जो महिला बाहर निकल के काम करती है उनके लिए एक्सपीरियंस भी कुछ अलग ही होता है, और जो सही तरह से काम करना चाहती है वो कर सकती है। एक बात और भी कहना चाहूँगी, जो सही तरह से काम करना चाहती है समाज में और जिस मैनेजमेंट करके मैनेज करके सब कुछ करना चाहती है वो सब कुछ कर सकती है। विल होना चाहिए जी, जहाँ विल है वहाँ वे डेफिनेटली मिलेगा जी आपको। जी बिल्कुल, एक्सक्यूजेस कभी नहीं रखना चाहिए कि यू नो मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मैं कैसे करूँ क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आपके लाइफ में आपकी प्रायोरिटी होती है जी, उसको आप एक बार समझ लो और डिवाइड कर लो अपने टास्क को तो चीज़ें बहुत आसान हो सकती है जी। डेफिनेटली जी मैम, तो आगे बात करते हैं कि जिस तरह से आप सोशल जो काम करती है वो किस तरह का काम करती है, सोशल में मतलब किस तरह की लोगों को हेल्प करती है, किन चीज़ों में हेल्प करती है। यामिनी जी, जो हमारा एक फाउंडेशन हमने अभी स्टार्ट किया दैट इज़ एक सोच फाउंडेशन जी, उसके नाम में ही एक सोच जी, तो ये फाउंडेशन लोगों की सोच पे काम करता है जी। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं अंडर प्रिविलेज, जैसे कि थैलेसीमिया, HIV, एड्स पीड़ित बच्चे, जिनको शायद सोसाइटी काफ़ी हद तक थोड़ा निकाल देती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उन बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, उनको मदद दें। जैसे कि थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनके लिए हम काफ़ी सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स करवाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को हर महीने 1 से 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है। तो हम इस तरह के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए तरह तरह के एक्टिविटीज़ करते हैं, हैप्पीनेस प्रोग्राम्स करते हैं जी। साथ ही साथ वुमेन्स को हम कोशिश करते हैं कि पैसे ना दे के उन्हें नौकरी ही दे दें जी। तो इस तरह का जो एम्पावरमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, तो उनको किसी के आगे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात इसी है। इसी तरह के एक्टिविटीज़ वुमेन से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड, अभी फिलहाल में हम अटल लाइब्रेरी लेके आ रहे हैं सिटी के अंदर, जिसका हमने शुरुआत की है लाजपोर सेंट्रल जेल से। इसी तरह के लाइब्रेरी हम सिटी में अलग अलग जगह लेके आएंगे जी। सो यही मिशन है कि लोग पढ़े और जो अपना व्यर्थ समय है उसको सही जगह लगाए जी। जी जी, बहुत ही अच्छा आप काम कर रही है समाज के लिए। जो एक सोच आपने जिस तरह से बताया कि एक सोच फाउंडेशन, आपने नाम भी ऐसा रखा है कि जिस तरह से सोच के ही ऐसा लगे कि ये संस्था कुछ डिफरेंट वर्क कर रही है, समाज के लिए कुछ काम कर रही है। और जब टीम की बात करें, कोई भी काम करते हैं तो साथ में टीम चाहिए डेफिनेटली, तो ये एक सोच की जो टीम है वो किस तरह से आपके साथ जुड़ी हुई है। ये पूरी टीम हमने जैसे जैसे प्रोग्राम स्टार्ट किए कुछ फ्रेंड्स को हमने जोड़ा, फिर फ्रेंड्स के साथ साथ जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स जाते गए बाहर लोग जुड़ते गए जी, तो ये जुड़ाव आई थिंक अच्छे काम के वजह से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हैं जी। और इस तरह से आई थिंक पूरा श्रेय टीम को डेफिनेटली जाता है जी, क्योंकि टीम है, अगर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवेयर जी। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में हम बात करते हैं कि अवॉर्ड भी आपको काफ़ी सारे मिले हैं और बहुत जगह से अभी अभी आपको अवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, तो आपकी लाइफ का कोई स्पेशल अवॉर्ड जो हो वो जो आपको आपकी लाइफ जर्नी में कुछ एक्स्ट्रा स्थान रखता हो, ऐसी कोई बात। यामिनी जी, सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए डिवाइन मिसेज इंडिया का क्राउन पाना जी। मतलब एक होम मेकर, वहाँ 65 वुमेन्स थे फाइनलिस्ट जी। उन फाइनलिस्ट में आई थिंक आई वॉज द ओनली वन हु वॉज अ होम मेकर, मुझे लग रहा है बाकी सब प्रोफेशनल ग्राउंड से थे जी, सब काफ़ी स्टेब्लिश्ड थे। सो उनके बीच ये क्राउन जीत के आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एंड मैं उन सारे होम मेकर्स एंड हाउस वाइफ्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसा ना सोचे कि आप प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हैं तो आप किसी से कम हो, आप किसी से कम नहीं हो, सब में कैलिबर्स है, सब में टैलेंट है, बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए उसे ग्रैब करने के लिए जी। सो डेफिनेटली दिस एंड यस, अभी फिलहाल में मुझे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से वुमेन्स डे पे अवार्ड दिया गया जी। जी जी, सो दैट इज़ अगेन वेरी वेरी नाइस, क्योंकि ये अवार्ड नेशनल लेवल पे दिया गया एंड सिर्फ आई थिंक 5 to 6 वुमेन्स को ही दिया गया नेशनली, सो दिस रियली काउंट्स अ लॉट फॉर मी। बहुत बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए आपको। और आगे चलते हैं, रितु जी से बहुत कुछ जानना है, क्योंकि जिस तरह से जो लोग काम करते हैं उनके ऐसा लगता है कि हम इनके बारे में ये भी जाने, इनके बारे में ये भी जाने। काफ़ी लोगों को आज ऐसा लगता होगा कि जो दिख रहा है वो शायद है नहीं, कुछ अलग ही चीज़ है, या तो ऐसा भी होता है कि
जो हम देख रहे हैं वो सही तरह से आज उनके मुंह से हम सुन रहे हैं, उनके बारे में हम जान रहे हैं, तो कुछ सुनने के लिए और भी मज़ा आता है। बिल्कुल। और आगे चल के बात करते, अवार्ड की बात हो गई और जिस तरह से उन्होंने डिवाइन मिस इंडिया नेशनल टाइटल 2019 में जीता और किस तरह से जीता और कैसे वो गई थी वो भी उन्होंने बता दिया है। और तो आगे चलते हैं मैम, अभी बात करेंगे कि आगे आप जो सोशल काम करती है उसमें क्या करना चाहती है और अभी आगे की जनरेशन के लिए और आगे जो अभी 2020 है वन है उनके आगे आप क्या करना चाहेंगी? देखिए, फ़िलहाल तो मेन फोकस सोशल वर्क ही है हमारा। कोशिश यही है जितने से ज़्यादा लोगों को हम बेनिफिट दे पाए अपने थ्रू। एंड आज के टाइम में आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों की सोच को बदलना। जी। सो ये फाउंडेशन कोशिश यही करती है कि लोगों की सोच को हम बदल पाए, इसलिए हमने एक काउंसलिंग सेक्टर भी रखा है हमारे फाउंडेशन के अंदर, जो कि यूथ को, सभी को काउंसिल करती है अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो एडिक्शन हो। एंड ये काउंसलिंग स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ एंड आश्रम्स में भी किया जाता है। जी। इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल आज के टाइम की सबसे ज़रूरत, इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि सारे NGOs जितने भी वर्क करते हैं, आई थिंक सूरत हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ NGOs जो काम कर रहे हैं, तो अगर सब मिलके एक साथ काम करें तो आई थिंक इस पावर को कोई रोक नहीं सकता है। दैट इज़ अगेन अ वेरी गुड टीम वर्क। जी। एंड सभी अपने फील्ड में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। जी। तो अगर सब मिलके करें तो आई थिंक मिरेकल्स कैन हैपन। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे वुमेंस डे पे आप क्या हमारे जो महिलाएं हैं उनको मैसेज देना चाहेंगी और आपकी जो संस्था है एक सोच फाउंडेशन, उसमें क्या आप चाहती है कि आपकी संस्था के साथ लोग कैसे जुड़े? सी, वुमेंस डे पे मैं एक कहावत है ना, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। कहते हैं जहाँ नारी की पूजा की जाती है देवी देवता वहीं वास करते हैं। जी। कोशिश करिए सही बात है, आपके आजू बाजू, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, वाइफ हो, चाहे कोई घर की हेल्पर ही क्यों ना हो, उन्हें मान सम्मान दें, उन्हें प्यार दें। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता एक विमेन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है। बाकी सब चीज़ मटीरियलिस्टिक है जी, वो भी इम्पॉर्टेंट है जी, ऐसा नहीं है कि नहीं है इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, वो आप एक विमेन को दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, एंड आप देखेंगे आपके सराउंडिंग्स और आप खुद की ज़िंदगी बहुत जल्दी बदल जाएगी। जी, मतलब नारी को सम्मान मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, वो उनके लिए बहुत महत्व की बात होती है। अगर सम्मान जहाँ पे नहीं मिलता है वहाँ बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो जाता है। Definitely. तो नारी को सम्मान मिलना चाहिए, ऐसे ही मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हर वुमन को सम्मान मिलना चाहिए, वही उनकी एक पहचान है। कि सम्मान मिलता है तो वो बोलते हैं कि बहुत कुछ, मतलब उनकी जो भावना है, yes. उनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत कुछ कह जाती है सम्मान से। एंड डेफिनेटली क्या है ना, हम लोगों की क्या हैबिट है, हर चीज़ अपने हिस्ट्री में ढूंढते ही हैं। जी। तो खुद शिव शंकर को ही अर्ध नारी कहा गया था। जी। तो दिस ऑटोमेटिकली स्टेट्स की पावर ऑफ फेमिनिज्म कितनी स्ट्रांग है। स्ट्रांग है जी। तो इस चीज को आगे लेके अगर सब समझे जी तो बहुत बदलाव आ सकता है। जी, इसलिए तो कहते हैं पावर आर वुमन, मतलब वुमन आर पावर, ऐसा बोल सकते हैं कि एक शक्ति है। यस। नारी में एक शक्ति है, शक्ति है। जी। तो आपकी संस्था में अगर कुछ ऐसा काम करने के लिए, सोशल काम करना है किसी को, तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? वो भी हम इस कार्यक्रम के द्वारा बता ही देते कि ताकि Definitely. आपकी संस्था को भी मदद मिल जाए। मदद तो नहीं कह सकते, बट काम करने वाले लोग आपको मिल लोग जुड़े। जी। हम यही अपील करते हैं सबसे कि जो भी जुड़ना चाहते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के एजुकेशन को लेकर, और स्पेशली इन तरह के बच्चे जो कि अंडर प्रिविलेज के साथ साथ स्पेशल होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, हम चाहते हैं कि आप उन बच्चों के लिए कुछ, अगर कभी भी आप करना चाहें तो आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और हमें बताएं, हम डेफिनेटली आपके साथ हैं। जी जी, रितु जी, बहुत बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बहुत कुछ, मतलब थोड़ी सी बातों में बहुत कुछ कह दिया है आपने। और इस तरह से विश्व महिला दिन की मैं फिर से आपको शुभकामना देती हूँ और अवार्ड के लिए भी आपको शुभकामनाएँ देती हूँ। इसी तरह आप समाज सेविका बन के अच्छे काम करती रहे, वो भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ हमारी चैनल परिवार की ओर से। और एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड अंतर्गत विश्व महिला दिन का ये शो था, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। तो रितु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड ऐसे ही
हम वापस ऐसे ही कार्यक्रमों में, मतलब कि आत्मनिर्भर नारी के साथ वापस हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते हमारे साथ जुड़ने के लिए ज़रूर हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में वेबसाइट, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल साइट्स हैं हमारी, सब पे आप जाके हमारे सभी कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं वापस, तब तक के लिए नमस्कार।